हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे OSSE CGL रो इंग्लिश क्लास डिस्कशन करिबा। आज रही क्लास रे आम डिस्कशन करिबा टाइप ऑफ सेंटेंस विषय रे डिस्कशन करिबा। टाइप ऑफ सेंटेंस जहाँ हो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ये जो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रो प्रथम किछि आम कांसेप्ट बुझिबा। देन कांसेप्ट बुझि सारिबा पारे से ही कांसेप्ट को लेकर ही आम किसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। इट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु परीक्षा रे जमिति प्रश्न आसीबो सेमिति किसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। एंड एहार मु किसी ट्रिक कहिबी, ठीक अछि, गोटे मु ट्रिक कहिबी। सही ट्रिक सहाय्य रे मध्य आम कोटा सिंपल सेंटेंस, कोटा कंपाउंड एंड कोटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आराम से आम आइडेंटिफाई करिपरिबा। तेणुक कंप्लीट क्लास टी को देखंतु, प्रथम पार्ट रे कांसेप्ट रहइबो, देन आमे सेकंड पार्ट रे सही कांसेप्ट को ही रिलेट करी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। ओके, एंड एहार पीडीएफ नोट पाइबा पई वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रे आपण माने जॉइन करि परिबे, सेठारे मु एहार पीडीएफ नोट प्रोवाइड करि देबी, ठीक अछि। हमर क्लास चली छि OSSE रो CGL, एंड बहुत सारा क्लास ऑलरेडी आमे एमसीक्यू क्वेश्चंस माने कहि परिबा। पूरा सिलेबस आमर ऑलरेडी माने ए टाइप ऑफ सेंटेंस परे केवल रहिबो पैसेज, एही पैसेज सारिबा परे पूरा संपूर्ण एमसीक्यू क्लास आमर सरिबो, ठीक अछि। एंड आमर इवनिंग रे ओडिया क्लास भी चली छि, ओडिया रो भी प्रैक्टिस सेशन चली छि, ठीक अछि। एमिति आमे धीरे धीरे प्रत्येक क्लास को कवर करिबा। ओके, एंड भलो भाबरे बुझंतु, प्रथम कथा होची टाइप ऑफ सेंटेंस। एही जो टाइप ऑफ सेंटेंस कोन मु कहली, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, एटा होची गोटी टाइप, ठीक सही बोली। आ गोटी होची हमर पॉजिटिव सेंटेंस, देन आसला जहा को हम अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव कहंती, देन नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी। ओके, एही भली भी सेंटेंस हमर अछि, बट एटा कोन, एटा हमें गोटे सेंटेंस को पॉजिटिव केमिति करबा, से सेंटेंसटा नेगेटिव हबो, इंटरोगेटिव हबो, पुनी से इंटरोगेटिव टू टाइप्स, क्लोज एंडेड कौन, ओपन एंडेड कौन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन, कमांड कौन, रिक्वेस्ट कौन, एटा गोटे माने एही पार्ट रु बहुत कम क्वेश्चंस आसी पारे, बिकॉज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एंड एहार ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं क्वेश्चन भी आसी पारे। तो आज रो वीडियो रे आमे आइडेंटिफिकेशन को जानिबा, देन आमे नेक्स्ट क्लास रे केते बेले एही सब माने आउ जहा रहबो, बिकॉज एउडा बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन करिवाटा किंबा इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस गुड़ा बहुत इजी, किंतु सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सेंटेंस पढ़ू पढ़ू फटाफट आम माइंड रे से जिनसटा क्लिक करवाटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। ओके, पूरा कांसेप्ट बुझा, देन मु क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स हूँ मुझे गोटे छोटिया ट्रिक टीए कह ट्रिक सहाय भी आम कर। चलत स्टार्ट करवा आज सेसन एमसीक्यू प्राक्ट सेसन सहित। ओके, प्रथम कथा होची सिंपल सेंटेंस आमे कहा को कहंती, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन करिवो ना, एथरे गोटे सब्जेक्ट एंड गोटे प्रेडिकेट रहिवो। सिंपल सेंटेंस रे कौन रहिवो, गोटे सब्जेक्ट रहिवो एंड गोटे प्रेडिकेट रहिवो। एंड एई जो सिंपल सेंटेंस टा कौन करथुवो, एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, इट मींस सेंटेंस रो कंप्लीट मीनिंग बुझी होथिवो। एंड एथिरे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज पाइबा, बुझियला। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन, आमर सेंटेंस जेते आमे प्रीवियस क्लास रे जो माने भी क्लॉज देखी नांदी, देन टिके क्लॉज क्लासटा भलो भाबर बुझंतु, सेथरे मध्ये मु किछि कांसेप्ट एंड से कांसेप्ट को नेकि ही क्वेश्चंस करै छी जहाँ आमे गत काली करथिले। क्लॉज होउछि टू टाइप्स, मु कोन कहली, क्लॉज होउछि टू टाइप्स, गोटे होउछि आमर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गोटे होउछि डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन, डिपेंडेंट क्लॉज कौन, इंडिपेंडेंट क्लॉज होउछि जेउ सेंटेंस टी रो जे थिबा गोटे क्लॉज मीनिंग बुझिबा पई अन्य कहा बा अन्य केउ ग्रुप ऑफ वर्ड्स उपरे बा सेंटेंस बा क्लॉज उपरे निर्भर करिया पई पड़े नाही, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक अछि। एंड जेते बेले गोटे क्लॉज रो मीनिंग को बुझिबा पई अन्य उपरे डिपेंड करिया पई पड़े, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। एही इंडिपेंडेंट क्लॉज को कुआ गला कोन, हमरो ऑर्डिनेट क्लॉज एंड एटा हो जे हमरो सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड एटा को हमें मेन क्लॉज भी कहंती, एटा को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहंती, ठीक से भली। सिंपल सेंटेंस होची कौन, गोटे सब्जेक्ट आसीबो, देन प्रेडिकेट आसीबो, प्रेडिकेट रे के आसीबो वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ए सब आसीबो कि एडवर्बियल्स आसीबो। एंड एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट, माने यार मीनिंग कंप्लीटली बुझी उठबो। एंड एथरी गोटे हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज पाइबा, इट मींस एथरी हमें डिपेंडेंट क्लॉज पाइबा नहीं, दैट इज सिंपल सेंटेंस। देन मु ट्रिकटा कहिबी आगु को,
ठीक से भाई कंपाउंड सेंटेंस कौन कंपाउंड सेंटेंस हूँ सेंटेंस मेड अफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली जॉइंड बाय ए कंजक्शन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस जहाँ को आम सरल जौगिक और जटिल वाक्य कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स जहाँ को आम मानने मिश्र वाक्य भी जहाँ को आम कहते बट सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स को जब बुझीजा से आम बुझीजा कंपाउंड कम्प्लेक्स कौन बुझीजा सिंपल सेंटेंस बुझला गोटे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आसव यार मीनिंग कम्प्लीटली बुझी हेब एंड ए गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज पाइबा कंपाउंड सेंटेंस कौन कंपाउंड सेंटेंस हूँ ए सेंटेंस मेड अफ टू और मोर दुई कि दुईटी अधिक जितेबाला इंडिपेंडेंट क्लॉज माने सिंपल सेंटेंस को नहीं गोटे कंजक्शन द्वारा जितेबाला कनेक्ट कर दिया दैट इज कंपाउंड सेंटेंस बुझीगला सेंटेंस मेड अफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली जॉइन बाय ए कंजक्शन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस ठीक से भाई कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन ए सेंटेंस कंटेनिंग एटलिस्ट वन मेन क्लॉज ए गोटे मेन क्लॉज भी पाइबा एंड ए गोटे आम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पाइबा ओके इट मीन्स एथिरे केवल आमे मेन क्लॉज पाइबा एथिरे दुईटा मेन क्लॉज पाइबा किंतु एथिरे कौन हम गोटे मेन क्लॉज भी पाइबा एंड गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पाइबा दैट इज हूँ आमर कम्प्लेक्स सेंटेंस बुझीगला सिंपल सेंटेंस कौन मत पुणी थे कहतु सिंपल ये सिंपल सेंटेंस क्या कहवा जो थे गोटे मेन क्लॉज पाइबा यार कम्प्लीट मीनिंग बुझीहब ठीक से भाई कंपाउंड सेंटेंस क्या कहवा जो सेंटेंस रे जितेबले आम दुईटा मेन क्लॉज गोटे कंजक्शन द्वारा जॉइंट हम से दैट इज कौन हम आम कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन हम गोटे मेन क्लॉज पाइबा एंड गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज पाइबा मेन क्लॉज क्या कहवा जहाँ मीनिंगटा बुझापी अगर कौन क्लॉज उपर डिपेंड हाँ पड़ो ना दैट इज मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन जहाँ मीनिंग बुझापी अगर एक क्लॉज उपर जिते डिपेंड हाँ पड़े दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज यही सब हूँ आम सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा पूरी डेफिनेशन एंड कनसेप्ट देन जदि गोटे सेंटेन्स पढ़ा आम यो पूरा कनसेप्ट वे जदि फाइंड आउट करन इट्स ओके किसी असुविधा नहीं सबुठ आमपाई गोटे इम्पोर्टां थिंग्स अच्छा जदि बाहर करें इट मीनस मेन क्लोज आम चिन्ह पार ना कंपाउंड सेन्टेन्स क्यों कंजक्शनटा ये कहगला जो ये गोटे वार्ड कहगला दैट इज कंजक्शन यहाँ ये कंजक्शनटा केमी जाणी जे गोटे मेन क्लोज पढ़ला बेल दुईटा एका लगुच तो आम केमी जाणी इंपाई मुझे छोटे ट्रिक कह भल भाव बुझु से ट्रिकटा हूँ बर्तमान आम सिंपल सेंटेंस को तो जापर कि असुविधा ना सिंपल सेंटेन्स कौन हम कौन कंजक्शन आसब ही ना ओके केवल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेन्स आम कंजक्शन पाइबा ठीक अच्छे मुझा कह बुझी सिंपल सेंटेंस रे तो बिकज से गोटे मेन क्लॉज ही रहिबो तो मेन क्लॉज जदि रहिबो से कौन कंजक्शन आसीबो नहीं किंतु कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस रे ही आमे कंजक्शन पाइबा मन रखंतु जेउठी जेउठी आमे एही सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन पाइबा सेटा कोन हबो सेटा हिजबो कंपाउंड सेंटेंस एंड जेउठारे आमे सबऑर्डिनेट कंजक्शन पाइबा सेटा हिजबो हमर कंप्लेक्स सेंटेंस इट मीन्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन रो मु किछि लिस्ट करछि एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन रो लिस्ट करछि बहुत सारा अछि किंतु मोस्ट कॉमन मु कहि दै छी देखंतु फॉर एंड नॉर एटा मन रखंतु फैन एटा कोन हबो फैन ठीक से बेली बट और आउट होछि येट मन रखंतु बॉय ठीक अछि फैन एंड बॉय को मन रखंतु जेउ जेउ सेंटेंस रे फॉर पाइबा एंड पाइबा नॉर पाइबा बट पाइबा और पाइबा एंड येट पाइबा सेटा हबो हमर कंपाउंड सेंटेंस क्लियर बुझीला सेटा कौन हबो हमर कंपाउंड सेंटेंस हबो ओके एंड जेउ जेउ सेंटेंस रे आमे आफ्टर पाइबा ऑल्दो एज इफ एज लॉन्ग एज मच व्हेयर व्हेरेवर व्हेयर एज देन बिकॉज सिंस किंबा दैट यही जदि आम कि पाया आ बहुत सारा अच्छे यही आम पाइबा यहाँ हो कौन आमर दैट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस बुझीगला जो जो जगार यही सब कोऑर्डिनेट यहाँ तो मन रही फैन एंड बॉय एफ फॉर कौन फॉर ए फॉर एंड एन फॉर नॉट ओके बी फॉर बट अ फॉर वाई अ फॉर और वाई फॉर एट यही सब कंजक्शन पाइले कौन हम यहाँ कंपाउंड सेंटेंस एंड यही सब कंजक्शन पाइले दैट इज हो कौन आम कम्प्लेक्स सेंटेंस बुझीगला पूरा ट्रिकटा आम सेंटेन्स को मीनिंग को बुझी भी करें कि जो मैंने भी बुझी पार ना देन यहाँ
अप्लाई करंतु सहज हबो। ओके चलंतु गोटे एग्जांपल देखिबा तबर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। एटी मु तीनटी सेंटेंस लिखिजे, एई जो तीनोटी सेंटेंस रे हमकु बुझिबार अछि। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, एई सेंटेंस रे कोन होछि, राम होछि सब्जेक्ट, इज होछि वर्ब दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड क्रिकेट होछि कोन ऑब्जेक्ट। एही सेंटेंस टी पढ़िबा जेतेले राम इज प्लेइंग क्रिकेट मीनिंग बुझियो जे ना नै, यस डुअर राम कौन करुची ना क्रिकेट खेलुची। तो यही सेंटेंस टी रे कौन अच्छी केवल गोटे मेन क्लोज ही अच्छी, तो यहाँ कौन हम आमर यहाँ सिंपल सेंटेंस बुझीगला। अच्छा मुझे कह राम वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट रिजल्ट, यहाँ क्यों प्रकार सेंटेंस हम इट मीनस ए कौन अच्छी सब्जेक्ट राम अच्छी राम वर्कड हार्ड एथेरे कौन है राम कठिन परिश्रम कला किंतु बट हूँ गोटे कंजक्शन ही कुड नॉट गेट रिजल्ट सेंस रे आमे बुझिपर इट मीनस एथेरे कौन होटा भी गोटे मेन क्लज एटा भी गोटे मेन क्लज इट मीनस डिपेंडेंट क्लज आम जहाँ कहते ही कुड नॉट गेट रिजल्ट यार भी कम्प्लीट मीनिंग बुझी यार भी कम्प्लीट मीनिंग बुझी एमती जदि आम चाहे कर अदरवैज मुझे ट्रिकटा कही ट्रिक कौन बट गोटे कौन ये देखो ये कौन कही बट हूँ आमर गोटे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोठी आम यही कोऑर्डिनेट कंजक्शन पाइबा सेटा की सेंटेंस हम सेटा हो कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ हो गए आमर कंपाउंड सेंटेंस, ठीक अच्छे यहाँ हो गए कंपाउंड सेंटेंस राम वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट रिजल्ट यहाँ कौन हम यो बट आसिले यहाँ हो कंपाउंड सेंटेंस। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। तो यही सेंटेंस टी आमर क्यों प्रकार सेंटेंस हम प्रथम सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस यहाँ हो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहीं हम ना इफ आसा मुझे कही जोठी इफ हूँ गोटे कौन आम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जोठी आम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन पाइबा सेटा होमर गोटे कौन कम्प्लेक्स सेंटेंस जो मैंने बुझिपार ना यहाँ हूँ गोटे ट्रिक अदरवैज इ विल गेट सक्सेस यार कम्प्लीट मीनिंग बुझी होटा हूँ मेन क्लज किंतु इफ यू वर्क हार्ड यार कम्प्लीट मीनिंग बुझापी आउ गोटे क्लज उपर डिपेंड करने पड़ी दैट इज सब ऑर्डिनेट क्लज। तो जितेबाला गोटे मेन क्लज आसो एंड गोटे सब ऑर्डिनेट क्लज आसा कौन होमर दैट इज हो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्लीअर भल भाव बुझीगला। पुणि थे यहीटा को टी भल भाव मन रखु ऑर्डिनेट कंजक्शन जो जो जगार आसा हो कंपाउंड सेंटेंस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो जो जगार आसा हो कौन कम्प्लेक्स सेंटेंस देन आम क्वेश्चन प्राक्टिस करवा यू टे भल भाव देखूँ एंड मन रखापी चेस्टा करूँ देन आम क्वेश्चन प्राक्टिस करवा। ओके सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस आपण मैंने कौन करेंगे सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे तेणुक यू टे भल भाव देखि दिंतु ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन ये लिस्टा मुझे बनई लिस्ट्रु ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आसे। ओके फॉर एंड नॉर बट और येट ये सब गुड़ा हूँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन मीन्स यही सब कंजक्शन जोटी पाइबा से कौन हो कंपाउंड सेंटेंस आफ्टर अल्दो एज इफ एज लॉन्ग एज मच वेर एज व्वेर एवर देन बिकज सिंस दैट यही जहाँ भी आम सब दैट हूँ आम रिलेटिव आसीज रिलेटिव कंजक्शनटा सबऑर्डिनेट आसवना कि रिलेटिव को रिलेटिव भी आम कंजक्शन अच्छी जहाँ गुड़ाक सब कौन हम कम्प्लेक्स सेंटेंस हम मन रहिला जीवा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। चलंतु क्वेश्चंस वन ट्राई करंतु क्वेश्चन वन ट्राई करिबा। आई डिड नॉट नो दैट दिस फूड वाज मेंट ओनली फॉर द स्टाफ क्वेश्चन वन रे जो सेंटेंस टी पढ़ंतु एंड ऑप्शन चारोटी अच्छी सिंपल सेंटेंस हम कंपाउंड सेंटेंस हम कम्प्लेक्स सेंटेंस हम ना नॉन ऑफ द अबव हम क्यों ऑप्शन टी हम ट्राई करंतु आई डिड नॉट नो दैट This food was meant only for the staff. प्रथमे आपण ट्राए करिवे देन मु कहिबी एंड काही कि हला सेटा मध्य कहिबी या सहित जे ट्रिक टी कहली से ट्रिक टी मध्य दर्शेबी प्रथमे निजे ट्राए करंतु। एटा कोन हिजो हमरो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिजो ऑप्शन सी हिजो यार राइट आंसर। मनरे प्रश्न होची काही कि हला रीजन होची आई डिड नॉट नो एटा हूँ गोटे कौन एटा हूँ गोटे क्लज दैट आसीगला कौन आम ये गोटे कंजक्शन दिस फूड वाज मेंट ओनली फॉर द स्टाफ एटा हूँ आ गोटे क्लज
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା କ୍ଲଜ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମିନିଂ ଅଛି, ଏହାର ମିନିଂକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ପାଇବା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲା? ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆମେ ଏଇଭଳି ଦାଟ୍ ପାଇବା ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମସ୍, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାକି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ୍ କନସେପ୍ଟ ବି କହିଲି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସି ଇଜ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ସୋ ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଆପିଲ୍ଡ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ। ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେବ, ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ? ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏପ ହେବ। କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ, ସି ଇଜ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଆପିଲ୍ଡ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମିନିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ, ଏହାର ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ। ସୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ ବାଇ ଏ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ସଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପାଇବା, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିଛି, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥ୍ରୀ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥ୍ରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି ୱିଥ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ନୋ। ଏଇଟା କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯିବ? ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କିଛି ପଢ଼ିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଆସିଗଲା ନା, ଇଫ୍ଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ବିକଜ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିଛି? ଇଫ୍ ଆସିଛି, ଇଫ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନେଟ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବା, କ'ଣ ହେବ? ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି ୱିଥ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍, ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ନୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ମିନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି? ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଇଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଏଇଭଳି ସେନ୍ସରେ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ଟା ହିଁ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଆମର ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ନା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ନା ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଇଫ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆସେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଡ଼ଭର୍ବ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ଆଡ଼ଭର୍ବିଆଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫୋର୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସି ୱିଲ୍ କମ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଟ୍ ଅର୍ ପ୍ଲେସ୍। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ, ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫୋର୍, ଅର୍ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅର୍ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଏରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଟା ଆସୁଥିଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଟ୍, ୱାଇ ହେଉଛି ୟେଟ୍, ଓକେ, ଏଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫର୍, ଏ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ, ଏନ୍ ହେଉଛି ନର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ କହିବି? ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥିଲି? ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଓକେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସି ୱିଲ୍ କମ୍ ହୋମ୍, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଟ୍ ହର୍ ପ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟିଏ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କନସେପ୍ଟ ବି ବୁଝନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଇଭ, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ପାର୍କ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଇଭ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ପାର୍କ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ପାର୍କ ହ୍ୱେନ୍, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ମିନ୍ସ ଏଇ ପୁରାଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହିଁ ହେବ, ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ପାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବିକଜ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଓକେ। ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଦ ସନ୍ ଲୁକ୍ସ ଆମେଜିଂ ଟୁଡେ, ଦ ସନ୍ ଲୁକ୍ସ ଆମେଜିଂ ଟୁଡେ,
ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ହେବ। ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ ଡେ ଦାଟ୍ ୱି ମେଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ସିମ୍ପଲ୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଏଇଠି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦାଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯଦି ରିଲେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଏହାର ମିନିଂକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କ୍ଲିଅର, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8। ନିଧି ଇଜ୍ ନଟ୍ କିପିଂ ୱେଲ୍ ୟାଟ୍ ସି ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ୱାର୍କ। ନିଧି ଇଜ୍ ନଟ୍ କିପିଂ ୱେଲ୍ ୟାଟ୍ ସି ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ୱାର୍କ। ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେବ ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ୟାଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ୟାଟ୍ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ଟା କୋଡ଼ିନେଟ୍ ନା ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍, କୋଡ଼ିନେଟ୍। ଯଦି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କ'ଣ ହେବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ଓ ୱାଇରେ, ବି ଫର୍ ବଟ୍, ଅ ଫର୍ ଅର୍, ୱାଇ ଫର୍ ୟେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବୟ, ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8, ଅପସନ୍ ବି ୱିଲ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ଏଇଟା ବି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଅଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଅଛି ଦୁଇଟା କ୍ଲଜ୍ର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9। ଆଫ୍ଟର୍ ଦେ ରିଚ୍ଡ ଦ ହୋଟେଲ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଇନଫର୍ମ ଅଜ୍। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଫ୍ଟର୍ ଦେ ରିଚ୍ଡ ଦ ହୋଟେଲ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଇନଫର୍ମ ଅଜ୍। ଆଫ୍ଟର୍ ଆସିଗଲା, ତ ଆଫ୍ଟର୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ କହିଛି ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆଣ୍ଡ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଆଫ୍ଟର୍ ଦେ ରିଚ୍ ଦ ହୋଟେଲ୍, ଏହାର ମିନିଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ଇନଫର୍ମ ଅଜ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ପାର୍କ। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ, କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ସହଜ, ଏଥିରେ କୌଣସି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବାଟା ବି ବହୁତ ସହଜ। ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଜାରି ରହିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।